हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारा सिंपल ब्लाउज़ का, तो उस सीरीज़ में हम ब्लाउज़ को कटिंग करना सीखेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब पहला सीरीज़ था, इसमें हमने कितने मीटर कपड़े में किस नाप का ब्लाउज़ तैयार होगा ये देखा था और मेजरमेंट लेना सीखा था। तो जो हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद, वो आज हमारा कटिंग का स्टेप रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना हम शुरू करते हैं। तो पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे और फिर बाद में कपड़े की कटिंग करेंगे। पहले हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। जो आगे वाला पार्ट है उसे 1 इंच बड़ा रखना है। तो 1 इंच हम यहाँ पे इसको बड़ा रखेंगे आगे वाला पार्ट। जैसे आगे वाला जो भाग है वो इसलिए बड़ा रखा जाता है, वहाँ पे हम प्लेट्स भी डालते हैं। तो ये हमारा सिंपल ब्लाउज है तो इसमें बेल्ट तो कटेगा नहीं, तो जो बेल्ट नहीं कटेगा फिर भी आगे वाले भाग में प्लेट्स पड़ते हैं, तो इस वजह से 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। तो जो हमारा ये 1 इंच कम है, ये वाला पार्ट हम हमारा जो है बैक पार्ट होता है, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में प्लेट्स नहीं डाले जाते हैं, तो इसमें हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखनी है तो इसमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। नीचे भी सिलाई, नीचे वैसे जब भी तुरपाई के लिए हम सिलाई करेंगे यहाँ पर हमको जोड़ लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम है, तो इस वजह से यहाँ पर जब भी नीचे वाला पार्ट फोल्ड किया जाएगा तो यहाँ पर एक अलग कपड़ा काट के जोड़ना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे आधा इंच इधर और आधा इंच इस साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। तो ये हो गया आगे का पार्ट, ये है पीछे वाला भाग। तो दोनों भाग हम एक साथ ही निकाल रहे हैं। अब जैसे ब्लाउज का नाप 40 इंच है तो उसका चौथाई भाग यहाँ पे रखना होगा 10 इंच और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस तरीके से इसको दो बार, जैसे एक बार हमने इस साइड से डबल फोल्ड किया है, अब इसको हम इस साइड से एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये 4 फोल्ड हो गया। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हमें यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है यहाँ पे 2.5 इंच रखना है और जो कंधा है उसे 4 इंच रखना है। चार इंच से थोड़ा सा कम रखें, 3 पॉइंट। अब यहाँ से जो आर्म होल के लिए हमें निशान लगाना है, तो आर्म होल है यहाँ पे 6 इंच। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल को गोलाई देने के लिए। यहाँ पे 1/2 इंच का शेप देंगे, ये कंधे का शेप है। इसको हल्का सा यहाँ पे झुका देना है। यहाँ जैसे गला हमें आगे के साइड 6 इंच रखना है, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे नाप रखेंगे। तो 6 इंच हमारा पूरा नाप है आगे के गले का और 1/2 इंच और रख लेना है। तो अभी हम बैक साइड का गला जो होता है उसकी कटिंग नहीं करेंगे। पहले अभी हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें जो आगे का गला है उसी कटिंग से हमें निकालना है। ना हमें बैक पार्ट के गले की कटिंग करनी है और ना हमें शेप की कटिंग करनी है। जब भी आगे और बैक, मतलब जब भी हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करें एक साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बैक पार्ट का गला बड़ा है और जो है
बैक पार्ट भी साथ में कट रहा है, तो सेब की कटिंग नहीं करनी है और बैक पार्ट के में गले की कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट जो गला होता है वो छोटा रहता है और बैक पार्ट का गला बड़ा रहता है। तो जब भी कटिंग करें इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने पहले से देख लिया है कि 40 इंच जैसे जो सीना होता है, मतलब जो चेस्ट का नाप होता है वो 40 इंच है, तो यहाँ पे 40 इंच का नाप रख लें। 40 इंच का चौथाई भाग यहाँ पे 10 इंच रखना है। और जैसे कमर है तो कमर पे यहाँ नीचे की साइड भी प्लेट्स पड़ते हैं, तो इसलिए इसी के बराबर में यहाँ भी रख लेना है। तो जो मैंने नाप लेके फर्स्ट सीरीज़ में दिखाया है, तो उस सीरीज़ में तो जो कमर है वो 34 इंच है, तो उसका जो चौथाई भाग यहाँ निकल के आता है वो है 8.5 इंच। तो 1.5 इंच यहाँ पे प्लेट्स के लिए रख लेंगे। यहाँ पे हल्का सा तिरछा कर देंगे। अब यहाँ पे हमने गले की गुलाई नहीं दी है, तो हल्का सा यहाँ पे हमें इस तरीके से कर देना है और गुलाई दे देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है इसको हमें निकाल देना है और जो बैक पार्ट है इसमें हमें निशान लगा लेना है। जैसे इसमें 1 इंच गला बड़ा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हल्का सा हमने 1 इंच 3 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा और 2.5 इंच ऐसा कर लिया इस तरीके से। गुलाई देने के बाद बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने शेप की कटिंग नहीं की है, तो इसमें हमें शेप की कटिंग का निशान लगा लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो जो आर्म होल का निशान हमने लगाया हुआ है यहाँ पे 1 इंच हमें अंदर की साइड निशान लगाना है और स्केल को तिरछा रखना है और यहाँ से गोलाई दे देना है। सिंपल गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। अब जैसे फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट का जो बीच का होता है मतलब काज और बटन लगता है, तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर देना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब जो साड़ी का कपड़ा है इसके ऊपर हमें अस्तर रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो बॉर्डर दिख रहा है ये बाजू पे इसको ले आना है और जो दूसरे साइड का बॉर्डर है उसे बैक साइड में ले आना है। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो हमने बैक पार्ट को निकाल लिया है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को निकालना है। तो जैसे ये दूसरे साइड में बॉर्डर है तो बॉर्डर जैसे बाजू पे लाना है, तो ये जितना बाजू का नाप है उस नाप को देख के इसको कट करके अलग कर देना है। 6 इंच है तो 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे 6 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। अब इसको पूरा निशान लगा के कट कर देना है। बाजू की कटिंग हम अलग से करेंगे, जैसे मैं सीरीज वाइज आपको बता रही हूँ, तो इसका भी एक कटिंग का अलग से एक वीडियो बनाएंगे।
तो ये हमारा जो बीच का कपड़ा है इसमें हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। तो जैसे बैक पार्ट की हमने कटिंग की है, सेम वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो अस्तर को एकदम बराबर करके रखना होता है। अस्तर रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज, आज के सीरीज़ में हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करना सीखा है। इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगा उसमें हम इसको अस्तर को किस तरीके से मतलब एकदम पूरा अच्छे से बैठाते हैं, जिसमें जैसे ब्लाउज में झोल ना आए, तो ये देखेंगे। तो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।